हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि क्रेडिट कार्ड जब हम इस्तेमाल करते हैं और हमें अगर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है तो हमें उसको कैंसिल कैंसिल करना रहता है। तो कैंसिल करने के लिए क्या क्या तरीके हैं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। कैंसिल करने के लिए फर्स्ट तरीका ये है कि आप अगर कॉल सेंटर में कॉल कर लीजिए, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव उठाता है तो उसे आप रिक्वेस्ट कीजिए कि मेरा कार्ड मुझे कैंसिल करना है, अब मुझे उसका इस्तेमाल नहीं करना है। और दूसरी जो कंडीशन होती है कि आपके जो रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जिस पे आपका स्टेटमेंट आता है, तो उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपको एक मेल डालना रहता है कि ये मेरा कार्ड है, ये मेरे नंबर है, ये जो भी है जानकारी है वो देनी रहती है। और उसमें लिखना रहता है कि मुझे ये क्रेडिट कार्ड बंद करना है, ब्लॉक और एक्टिवेट नहीं करवाना है, मुझे कार्ड कैंसिल करवाना है, मतलब मुझे टोटली बंद करवाना है। अब मैं इसके थ्रू कुछ भी ट्रांजेक्शन नहीं करना चाहता हूँ और ये मुझे बंद करना है। तो उस कंडीशन में आपको कॉल सेंटर में कॉल करके और दूसरे जो SMS उनकी वेबसाइट पे जो भी बैंक प्रोवाइडर होते हैं उनकी कस्टमर केयर की जो भी एक ईमेल एड्रेस रहता है उस ईमेल एड्रेस पे अपना आपको मेल करना रहता है। तो ये दो चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू आप फिर वहाँ से कॉल आएगा, फिर आप उनसे बात करके अपना कार्ड जो रहता है, क्रेडिट कार्ड जो रहता है, वो आप पूरी तरह कैंसिल मतलब बंद करवा सकते हैं। बंद तभी होगा जब आपके कार्ड पे कोई भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कुछ भी नहीं रहेगा, तो उस कंडीशन में आपका कार्ड फिर वो थोड़े दिन में बंद कर देंगे। तो ये प्रोसेस होती है। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।